दिल्ली से बड़ी खबर है। सपा महासचिव राम गोपाल की आवास पर अखिलेश पहुंचे हुए हैं। राम गोपाल और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हो रही है, मुलाकात चल रही है, ये जानकारी। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे अखिलेश यादव। पिता मुलायम के पद्म विभूषण सम्मान को ग्रहण करेंगे अखिलेश। कुछ ही देर के बाद वो जाने वाले राष्ट्रपति भवन, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है दिल्ली से। सपा महासचिव राम गोपाल के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है, बातचीत चल रही है और कुछ ही देर में खबर ये, राष्ट्रपति भवन जाएंगे अखिलेश और वहां पर जाकर के पिता मुलायम सिंह यादव के पद्म विभूषण सम्मान को ग्रहण करेंगे अखिलेश यादव। ये देखिए आप, जब पहुंचे राम गोपाल के आवास पर, ये उसी वक्त की तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं राम गोपाल, उनके आवास पर पहुंचे हुए अखिलेश। ये काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। राम गोपाल और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हो रही है, खबर ये, और कुछ देर के बाद तस्वीरें भी सामने आएंगी जब राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख करेंगे अखिलेश यादव। पिता मुलायम के पद्म विभूषण सम्मान को ग्रहण करने वाले हैं अखिलेश और ये तस्वीर है। राम गोपाल यादव के आवास पर जब अखिलेश पहुंचे, दोनों के बीच में अभी मुलाकात की बात सामने आ रही है। कुछ ही देर का वक्त है, राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के मुलायम सिंह यादव को जो सम्मान मिला है उसको ग्रहण करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में अखिलेश की मौजूदगी और वहीं पर राम गोपाल यादव भी मौजूद हैं अपने आवास पर। वहां पहुंचे अखिलेश, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, और यहां से कुछ ही देर के बाद निकलेंगे राष्ट्रपति भवन के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इस वक्त में खबर यह है कि राम गोपाल यादव के साथ में बातचीत हो रही है अखिलेश यादव की इस वक्त, और थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगे अखिलेश। हाथ हिला करके जो मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद, उनका अभिवादन उनको करते हुए, वेव करते हुए तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन और वहां पर जाकर के पद्म विभूषण सम्मान जो मिला है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, उसको ग्रहण करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली के दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा महासचिव राम गोपाल के आवास पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है और दोनों के बीच में ही मुलाकात की बात सामने आ रही है। मथुरा से खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट का आदेश आया है। शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी गई है। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीन सर्वे पर रोक लगाई गई है। फास्टैग सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के जज ने लगाई रोक। हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। अब शाही ईदगाह के अमीन सर्वे के लिए मौके पर जाएंगे अमीन, नहीं जाएंगे अमीन, ये खबर है। ये कोर्ट का आदेश, अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। अब 11 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और अमीन शाही ईदगाह परिसर में सर्वे करने तब तक नहीं जा सकेगा, ये जानकारी मिल रही है। ये कोर्ट का आदेश है। पहले अमीन सर्वे का आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब ये खबर है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि शाही ईदगाह के अमीन सर्वे के आदेश पर, जो पुराना आदेश था कोर्ट का, उस पर रोक लगा दी गई है। शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीन सर्वे पर रोक लगाई गई है, ये खबर। आजमगढ़ से अगली बड़ी खबर है, पुलिस हिरासत से गांजा तस्कर भागा गया। पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर के आरोपी वहां से फरार हो गया। पेशी के वक्त कोर्ट परिसर से गांजा तस्कर भागा। बदमाश के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के न्यायालय परिसर का यह मामला, पेशी के लिए उसको लाया गया था लेकिन वहां से पुलिस को चकमा देकर के गांजा तस्कर भाग निकला। आजमगढ़ से ये खबर है, गांजा तस्कर पुलिस हिरासत से भाग निकला, जिसके बाद से अब पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।